चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी का 12 मई को विवादित रनआउट आईपीएल 2019 फाइनल में चर्चा का विषय रहा। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में धोनी को टीवी अंपायर नाइजेल लॉन्ग ने रनआउट करार दिया। हालांकि रिप्ले में ये साफ नहीं हो पा रहा था कि धोनी रनआउट थे या नहीं। वैसे क्रिकेट नियमों का ध्यान रखा जाए तो संदेह की स्थिति में बल्लेबाज के पक्ष में फैसला जाता है, लेकिन 12 मई को धोनी के पक्ष में नहीं बल्कि विरोध में फैसला गया। जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आए तब मुकाबला बराबरी का चल रहा था। उस समय सीएसके का स्कोर 73-3 था। हार्दिक पांड्या पारी का 13वां ओवर कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद पर शेन वॉटसन ने शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला और रन लेने दौड़ पड़े। वहां मुस्तैद लसित मलिंगा ने गलत थ्रो किया और गेंद लॉन्ग ऑफ के फील्डर की तरफ चली गई। धोनी ने ओवर थ्रो पर रन लेने की ठानी। ईशान किशन ने सटीक थ्रो जमाया और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी। मुंबई ने रनआउट की जोरदार अपील की। मैदानी अंपायर ने तीसरे अंपायर को फैसला रेफर किया। टीवी अंपायर ने कई बार रिप्ले देखा और कई कैमरा एंगल्स भी देखे। वो इस उलझन में रहे कि धोनी का बल्ला क्रीज के अंदर पहुंचा या नहीं। ऐसे में अधिकांश देखने वालों को मिला कि बल्लेबाज को फायदा मिला, लेकिन धोनी के मामले में ऐसा नहीं हुआ। कई रिप्ले देखने के बाद तीसरे अंपायर ने फील्डिंग टीम के पक्ष में फैसला सुनाया। वैसे रिप्ले में देखने पर कई बार उलझन हुई कि धोनी का बल्ला क्रीज के अंदर पहुंचा या नहीं। उम्मीद जताई जा रही थी कि धोनी को संदेह की स्थिति का लाभ मिलेगा और वो बल्लेबाजी करना जारी रखेंगे, मगर तीसरे अंपायर ने अपने फैसले से क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया। उन्होंने धोनी को रन आउट दिया। धोनी के विकेट का नुकसान चेन्नई सुपर किंग्स को खिताब चूक कर भुगतना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि धोनी फिर नाइंसाफी से आउट हुए, वो रन आउट नहीं थे। बहरहाल चर्चा चाहे जो भी हो, लेकिन थाला का विकेट टीम को भारी पड़ा और वो रिकॉर्ड 4th IPL खिताब जीतने से चूक गया।